योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो चुका है और इसका एक नजारा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में देखने को मिला। एंटी रोमियो स्क्वाड ने यहां के रानी लक्ष्मीबाई किले में छापा मारा और उसके बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट आप देखिए। ये है झांसी का रानी लक्ष्मीबाई किला। अचानक पुलिस की एक खास टीम आती है, महिला पुलिस की टीम सादी वर्दी में है और फिर सभी में हड़कंप मच जाता है। यह है यूपी पुलिस की वो टीम जिसे एंटी रोमियो स्क्वाड कहा जाता है। इस टीम का गठन झांसी के एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने किया है। निशाने पर है छेड़खानी करने वाले लोग, लेकिन यहाँ पकड़े गए कुछ ऐसे जोड़े जो मुमकिन है एक दूसरे से मोहब्बत करते हों और यहाँ किले में मिलने पहुंचे थे। सर्विलांस टीम के साथ और हमारी महिला थाना की टीम के साथ आज हमने जो हमारे मॉन्यूमेंट हैं या जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क हैं, वहाँ पर एक चेकिंग की है ताकि हम देख रहे हैं कि जो माहौल है हमारा पारंपरिक जो सभ्यता का जो पारंपरिक इमारतों का जगहों का जो माहौल है जो कि पारिवारिक दृष्टि से एक अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर कुछ लोग बैठ कर हमारी संस्कृति को या फिर हमारे जो रहन सहन उसको खराब करने की दृष्टि से जो कार्य करते हैं उनको हम रोकें, उन्हें यहाँ से भगाएं ताकि इन सब जगहों का माहौल अच्छा रहे। गुस्सा मैडम के चेहरे पर नहीं था लेकिन एक्शन भरपूर था। आपस में बात कर रहे लड़के लड़कियों को लैला मजनू बताकर उठक बैठक करवाना शुरू कर दिया और फिर वार्निंग दी कि दोबारा यहां नजर नहीं आना। इस टीम का नाम है कि हमारा एक ड्राइव है, इसे बोलते हैं एंटी रोमियो ड्राइव और ये झांसी में आने वाले दिनों में जारी रहेगा और ये हम सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों पर या पार्कों पर ही नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेजेस के पास भी छुट्टी के समय हम इस तरह की ड्राइव्स करेंगे ताकि महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ होने वाली छेड़खानियों को रोका जा सके और एक सुरक्षित माहौल हम समाज को दे पाए। उन्हें वार्निंग दी हमने फिलहाल इस बार, लेकिन अगर उन्हें कोई ऐसी हरकत करते पाए गए जो वैधानिक रूप से परमिटेड नहीं है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लड़के इतने घबरा गए कि गर्लफ्रेंड को बहन बताने लगे तो लड़कियों ने कहा कि भैया के साथ आए हैं। हालांकि झांसी पुलिस का दावा है कि उनका मकसद दहशत फैलाना नहीं बल्कि माहौल ठीक करना है। हालांकि जिस एंटी रोमियो स्क्वाड की बात आजकल यूपी में चल रही है उसके निशाने पर तो छेड़खानी करने वाले होने चाहिए, ये प्यार मोहब्बत करने वाले भी अब इसकी जद में आ रहे हैं। अब्दुल सत्तार, जी मीडिया, झांसी।